बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको जो डिश बनाना सिखाऊंगी वो है मायो पोटैटो कबाब। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आलू उबले हुए मैश आधा किलो, ज़ीरा आधा चम्मच, काली मिर्चें आधा चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, हरी मिर्चें भरी कटी हुई चार पांच, नमक हसबे जायका, मायोनीज दो चम्मच। ये कॉर्नफ्लावर है, इसको पानी के अंदर मिक्स किया हुआ और इसकी लई बनाई हुई है। ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, और ये कॉर्नफ्लावर सूखा कॉर्नफ्लावर अलग चाहिए, और ये तिल जो ब्रेड क्रम्स के अंदर डालने, अगर डालने हैं तो डालने, नहीं डालने तो ना डालने, ये शाइन के लिए। चले स्टार्ट करते हैं। अब सारे मसाले आलू के अंदर मैश कर लेने हैं डाल के। मायोनीज भी इसके अंदर डाल देनी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इधर पैन के अंदर ऑयल डाला है फ्राई के लिए, और इसको चूल्हे पर रख दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलें जी, अब इसके कबाब बनाते हैं। और नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कोई कम या ज़्यादा लगे वो आप डाल दें। ये देखें जो तिल है वो ब्रेड क्रम्स के अंदर डालें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये कॉर्नफ्लावर के अंदर जो हमने पानी मिक्स किया था, इसको ऐसे लई बना ली, और ये कबाब बना लिया। कबाब को पहले कॉर्नफ्लावर वाले अमेजे में डाला, फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगाए, और इसको रखते गए। ये आपको फिर दिखाते हैं। इसी तरह हमने सारे कबाब बना लेने। चलिए ये देखिए, अब कबाब फ्राई होने लगे हैं। ये शैलो फ्राई करने, डीप फ्राई नहीं करने। देखें एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड पे पलट दें।
आंच हल्की रखनी है। वैसे तो सारा कुछ बना पका हुआ है, आलू भी बॉयल है, सब चीज़ें, और इंशाल्लाह ये क्रिस्पी भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। अब ये बन चुके हैं और ये डिश में हमने डाल दिए। इसी तरह दूसरे भी सारे इसी तरह फ्राई कर लेने। अब ये बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। ये देखो फ्राई हो चुके और अब इसे निकालने हैं। ये लीजिए मायो पोटैटो कबाब रेडी हैं। इंशाल्लाह आइंदा नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।